हेलो देयर, क्या आपको पता है कि एरोप्लेन यानी हवाई जहाज वो आसमान में कैसे उड़ता है और वो कैसे लैंड करता है? और वो कभी कभी होता है क्या है, जब एरोप्लेन उड़ते समय उसका इंजन ख़राब हो जाता है और इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है तो उस वक्त क्या होता है? और ऐसे कौन सा बच्चा है जो 7 साल की उम्र में फिल्म डायरेक्टर बना? और क्या आपको पता है कि ऐसे कौन सा डॉग है जिसका नाम योगी है? तो इस तरह के अमेजिंग फैक्ट आज हम अपने इस वीडियो के अंदर पता करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 13, आपको हमारे स्क्रीन पर एक इमेज दिख रही है और इस इमेज को देखकर आपको क्या महसूस हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि दोनों शख्स ट्वाइंस है। जी, ट्वाइंस नहीं है, जो पहले शख्स यानी जो पहली पिक है वो एंजो फेरारी की है जो कि फेरारी कंपनी के फाउंडर है, और जो दूसरी इमेज है वो मेसट ओजिल हैं जो कि एक जर्मन फुटबॉलर है। इसमें हैरान कर देने वाली बात ये है कि एंजो फेरारी 1988 में उनकी डेथ हुई थी और उसी 1988 को मेसट ओजिल का बॉर्न यानी उनका जन्म हुआ था। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 12, चाइना में नाशपाती यानी पियर्स बिकता है, इसका शेप बच्चे के शक्ल जैसा होता है। दैट्स अमेजिंग क्रिएटिविटी। फैक्ट नंबर 11, आपको स्क्रीन पर एक डॉग दिख रहा है, इस डॉग का फेस इंसान के शक्ल जैसा है, और क्या आपको पता है इस डॉग का नाम योगी है और इसको द डॉग विद द ह्यूमन फेस के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 10, नासा यानी ये दुनिया की बहुत बड़ी स्पेस एजेंसी है, क्या आपको पता है वहाँ पर इंटरनेट की स्पीड 91 गीगाबाइट्स पर सेकेंड है, यानी आप वहाँ पर 1 सेकेंड में 91 GB इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, ये फैक्ट आप लोगों के लिए, आप लोग ऐसा करें ऑड नंबर्स लें यानी विषम संख्या, जस्ट लाइक 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ऐसे करके लेते जाइए और आप देखेंगे कि कोई एक ऐसा लेटर है जो सारे ऑड नंबर्स में कॉमन है। अगर आपको इसका आंसर मिल जा रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके हमें बताएंगे। फैक्ट नंबर 8, सलाद यानी सब्जियों का मिक्सचर जिसे हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरीके से जब जर्मन में होता क्या है, जब केबल आपस में मिक्स हो जाते हैं तो उस मिक्स हुए केबल को केबल सलाद कहते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि आज से करीब 350 साल पहले सर आइजक न्यूटन ने जिस एप्पल ट्री के नीचे बैठकर प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन की खोज की थी, वो एप्पल का ट्री आज भी इंग्लैंड के वूल्सथॉर्प मैनर हाउस में खड़ा है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि न्यूयॉर्क में एक शख्स हैं वो 5 महीना जेल में बिता दिए लेकिन उन्हें ये खबर नहीं थी कि उनकी जमानत $2 में हो सकती थी। फैक्ट नंबर 5, मैं बात कर रहा हूँ किम ओंग यंग की। जब वो 2 साल की उम्र में थे तब वो 4 भाषाएं बोल लेते थे और जब 3 साल की उम्र में पहुँचे तो अलजेब्रा बहुत ही ईजली समझ सकते थे और 4 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी के गेस्ट रहे एज अ फिजिक्स स्टूडेंट, और जब 7 साल के हो गए तो नासा ने इनको अपने पास बुलवाया और 15 साल की उम्र में पूरी स्टडी कंप्लीट करके PhD की डिग्री हासिल कर ली। और क्या आपको पता है इनका IQ लेवल 210 यानी 210 है और इस वक्त वो साउथ कोरिया के शिहोन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि सौगात बिस्ता नाम का एक नेपाली बच्चा है जिसने 7 साल की उम्र में एक फिल्म लिखी, वो फिल्म लव यू बाबा के नाम से फेमस है और उसने इतनी कम उम्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया और उसे सबसे यंगेस्ट फिल्म डायरेक्टर के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 3, आपको मेरी स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा है जिस पर कि लिखा हुआ है मैरी मी और एक हर्ट बना हुआ है। असल में ये एक तरह का GPS ड्राइंग है जिसको जापान की यसुशी तकाहाशी ने बनाया था अपनी माशुका को इम्प्रेस करने के लिए, यानी ये एक तरह का वेडिंग प्रपोजल है। असल में स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको हाथ से नहीं बनाया गया है बल्कि ये GPS आर्ट है, इसको वहाँ तक सफ़र करके बनाया गया है। असल में बात 2008 की है जब इन्होंने गूगल अर्थ का यूज़ करके GPS आर्ट बनाया 2008 में, तब इनके दिमाग में एक आइडिया आया क्यों ना मैं अपनी माशुका को यानी
आप समझ सकते हैं, एक सरप्राइज मैसेज दूंगा जो कि एक वेडिंग प्रपोजल के फॉर्म में रहेगा। उसके बाद ये जापानीज आइसलैंड तक का सफर शुरू किया। ये गूगल अर्थ के जरिए अपने रूट को फिक्स किए और अपने जॉब को छोड़कर निकल पड़े, यानी कि 6 महीने के लिए अपने जॉब को लेव कर दिया कि हमें इस मिशन को कंप्लीट करना है और हमें अपनी वाली को इम्प्रेस करना है। इनके पास बहुत सारी तैयारियां थी किस तरह से और किन किन रूट का इस्तेमाल करके अपने जीपीएस आर्ट को कंप्लीट करना है। अपनी कार के जरिए और अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके पूरा सफ़र तय किया। रास्ते में बहुत सारी मुश्किलात जैसे हैवी रेन, बर्फबारी और भूकंप का भी सामना करना पड़ा। जब ये अपने ट्रिप को फिनिश किए तब ये अपना जीपीएस डेटा गूगल अर्थ पर अपलोड किया और उस वक्त ये अपनी वाली को दिखाए। जब इनकी वाली देखी तो ये बिलीव नहीं कर पा रही थी और इन्होंने इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। और क्या आपको पता है कि यसुशी ने दुनिया का सबसे बड़ा जीपीएस आर्ट बनाया जिसकी लेंथ अप्रोक्सीमेट 7000 किलोमीटर है और इनके इस रिकॉर्ड को गिनीज वर्ल्ड में भी रिकॉर्ड किया गया है। मतलब इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी। फैक्ट नंबर सेकंड, क्या आपको पता है कि आईफेल टावर को बनाने वाले सिविल इंजीनियर गुस्तेव आईफेल ने जब आईफेल टावर को बनाया था तो इसके टॉप फ्लोर पर एक सेक्रेट अपार्टमेंट बनाकर रखा है, वहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। फैक्ट नंबर फर्स्ट, एरोप्लेन यानी हवाई जहाज जो मीलों दूर तक का सफर कम समय में आसानी से तय करता है। क्या आपको पता है किसी भी एरोप्लेन को हवा में उड़ाने के लिए उसके विंग्स और उसका इंजन रोल प्ले करता है। अक्सर हम देखते हैं कि हवाई जहाज के दोनों पंखों के साइड पर एक एक इंजन लगा होता है या किसी किसी जहाज के दोनों साइड पर दो दो इंजन लगा होता है। एरोप्लेन का जो इंजन होता है उसको टर्बो जेट इंजन कहते हैं, यानी इसका इंजन जो होता है वो एक्शन रिएक्शन पर वर्क करता है। जो एरोप्लेन का फ़ैन होता है वो टाइटेनियम ब्लेड से बना होता है, यानी इनलेट फैन। इनलेट फैन करता क्या है, वो एयर को हाई क्वांटिटी में सक करके पीछे फेंकेगा और उसको आगे एक झटका लगेगा जिसकी वजह से एरोप्लेन आगे बढ़ेगा। और जब एरोप्लेन आगे बढ़ेगा तो एक फोर्स क्रिएट होगा जिसे थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। जिस तरह से हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारा ऊपर उड़ जाता है और हवा नीचे चला जाता है, यानी जहां हवा फेंकेगा अपोजिट उसके जहाज जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एरोप्लेन का जो इंजन होता है उसे टर्बो जेट इंजन कहते हैं। तो चलिए इसके इंजन के बारे में पता करते हैं कि किस तरह से इसको हाई क्वांटिटी में एनर्जी मिलती है। जब इंजन को इनलेट के रास्ते से हवा दिया जाता है, मतलब विंग्स जो होते हैं वो टाइटेनियम ब्लेड के बने होते हैं, इनको स्टार्ट करने के लिए जहाज के पीछे एपीयू लगा होता है जिसे ऑक्सिलरी पावर यूनिट कहते हैं, यानी यह भी एक तरह का इंजन होता है जो विंग्स को कुछ मिनट के लिए नचाने का काम करता है। और जब विंग्स हाई क्वांटिटी में एयर को सक करेगा तो ज़्यादातर हवा बाईपास एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर चला जाएगा और कुछ हवा को कंप्रेशन चैम्बर में भेज दिया जाता है। कंप्रेशन चैम्बर हवा को कंप्रेस करके अंदर फेंक देगा, यानी कंबशन चैम्बर में। कंप्रेशन मतलब होता है कि जो हवा को सप्लाई करे, और जब हवा कंप्रेशन चैम्बर में पहुंच जाता है फिर उसके बाद से कंबशन चैम्बर में आता है। कंबशन चैम्बर में जाने के बाद स्पार्किंग होती है, यानी स्पार्क प्लग होते हैं जो स्पार्किंग करके चिंगारी निकालता है। फिर नोजल के थ्रू केरोसिन ऑयल, ये एक तरह का फ्यूल होता है, उसको निकालेगा। यहाँ पर चिंगारी निकलेगी और कंप्रेसर चैम्बर इसको गर्म हवा देगा जिससे आग लगेगी, और जब आग लगेगी तो टरबाइन को नचा देगा। टरबाइन से एक शॉफ्ट जुड़ा होता है और शॉफ्ट से इनलेट वाला विंग्स। इस तरह इंजन का इनलेट विंग्स बहुत ही स्पीड में घूमेगा जिससे थ्रस्ट फोर्स पैदा होगा जो एरोप्लेन को आगे बढ़ाने का काम करेगा। और जब एरोप्लेन को रनवे से उड़ने के लिए लिफ्ट की ज़रूरत पड़ती है जो एरोप्लेन को विंग्स देता है, इस विंग्स को एयरफॉयल शेप का बनाया जाता है ताकि लिफ्ट के साथ साथ ड्रैग को मिनिमाइज कर सके। अब बात आती है कि एरोप्लेन को लिफ्ट कराना यानी एरोप्लेन को उड़ाना। आपने ये कभी नोटिस किया होगा कि जब आप स्पीड में सफ़र कर रहे होते हैं तो उस वक्त अपने हाथों को रोड के पैरेलल बाहर निकालते हैं तो बहुत ही आसानी से आप अपने हाथों को उसी कंडीशन में रख सकते हैं। और जैसे ही आप अपने हाथों के एंगल को बढ़ा देंगे
तो हवा आपके हाथों को ऊपर पुश करेगी, मतलब आपका हाथ लिफ्ट करने की कोशिश करता है। ठीक उसी तरह एरोप्लेन में होता है, क्योंकि एरोप्लेन का वेट ज़्यादा होने की वजह से इसको उड़ाने के लिए इसकी स्पीड को और ज़्यादा करना पड़ेगा, जो कि जेट इंजन से मिलता है। तब इसको रनवे पर कुछ मिनट के लिए दौड़ाया जाता है, यानी मतलब कि उसको रन कराया जाता है। एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद पायलट विंग्स के एंगल को बढ़ा देता है। जिस विंग्स के एंगल को बढ़ा दिया जाता है, यानी उस विंग्स को फ्लैप कहते हैं, जिससे विंग्स के ऊपर से हवा आसानी से निकल जाता है और नीचे हवा तेज़ी से नहीं निकल पाती है। अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, स्पीड जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर कम होगा। इसी तरह इसमें होगी, यानी कि ऊपर प्रेशर कम होगा और नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा, और यही जो प्रेशर ज़्यादा होगा नीचे, यही एरोप्लेन को लिफ्ट देगा, जिससे एरोप्लेन उड़ जाएगा। और क्या आपको पता है कि एरोप्लेन का जो विंग्स होता है वो एरोडायनेमिकली होता है, यानी एरोडायनेमिकली शेप का बनाया जाता है। क्यों बनाता है? इसलिए बनाता है क्योंकि एयर प्रेशर के बदलाव के कारण इनमें फ्लैक्चुएशन होता है, जिससे विंग्स टूट ना जाए। इसीलिए एरोप्लेन का जो विंग्स होता है वो एरोडायनेमिकली बनाया जाता है। अब बात आती है कि एरोप्लेन को डायरेक्शन देने में, क्योंकि इस वक्त एरोप्लेन जो है हवा में उड़ रहा है, तो होता क्या है, एरोप्लेन के पीछे वाले पार्ट में दो स्टेबलाइजर होते हैं। यानी स्टेबलाइजर मतलब होता यह है कि जब एरोप्लेन हवा में उड़ रहा होता है तो उसको स्ट्रेट जाना, मतलब बैलेंस फॉर्म में होना, तो दो स्टेबलाइजर होते हैं। पहले स्टेबलाइजर को हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर कहते हैं और दूसरे वाले स्टेबलाइजर को वर्टिकल स्टेबलाइजर कहते हैं। जो वर्टिकल स्टेबलाइजर और रडार दोनों एक साथ वर्क करते हैं, जो कि एरोप्लेन को साइड टू साइड स्विंग करने से रोकती है। ठीक इसी तरह से हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर और एलिवेटर एक ही सरफेस पर वर्क करते हैं। ये दोनों करते क्या है, पिच एक्सिस को कंट्रोल करते हैं, यानी एरोप्लेन को इस फॉर्म में और इस फॉर्म में जब जाता है तो उसको एक स्टेबल फॉर्म में करते हैं, ताकि एरोप्लेन स्ट्रेट फॉर्म में उड़े। अब बात आती है कि एलिरोन्स की, ये विंग्स को रोल में यानी प्लेन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करने में मदद करता है। एरोप्लेन को लैंड कराना, जब एरोप्लेन को हाईवे पर लैंड कराना रहता है तो उस वक्त मतलब उसे रोकना रहता है, तो उस वक्त जब हवा बाईपास एग्जॉस्ट से बहुत तेज़ी से निकलती है तो उस रास्ते पर मतलब उस रास्ते को बंद कर दिया जाता है, जिससे हवा सीधे ना जाकर ऊपर निकल जाता है। इस तरह हवा का डायरेक्शन बदल जाता है और एरोप्लेन की स्पीड कम हो जाती है। इसीलिए जब इंजन को रिवर्स करना रहता है, यानी एरोप्लेन को रोकना रहता है, तो पायलट बटन दबाता है, जिससे अंदर का एरिया ओपन हो जाता है और एरोप्लेन कंट्रोल में आ जाता है। कभी कभी ये होता है कि जब एरोप्लेन का इंजन ख़राब हो जाता है, वो वर्क करना बंद कर देता है, तो कॉकपिट में बैठे हुए पायलट रैड का यूज़ करते हैं। रैड एक विंग स्टेप डायनेमो होता है जो एरोप्लेन को पावर सप्लाई करता है, या कह सकते हैं ये एक तरीके का इलेक्ट्रिक पावर सोर्स होता है। तो ये होगा कि जब इसको डाउन करेंगे, ये विंग्स मूव करेगा, जब ये मूव करेगा तो एरोप्लेन को पावर मिलेगा और वो इस तरह से हवा में ग्लाइड करता रहेगा और इस तरह से पैसेंजर महफूज रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इसी तरह की अमेजिंग फैक्ट वाली वीडियो देखना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमारी वीडियो को दूसरों तक पहुँचाएँ। तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।